नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फोर्सेस ऑन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ एन इंजन। अब रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स कौन से होते हैं जो कि टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जैसे कि जो पिस्टन होता है सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करता है, और इसी तरह से जो कनेक्टिंग रोड है वो भी जो मूव करती है जब क्रैंक रोटेट करती है। तो ये ध्यान देना है, क्रैंक रोटेट करती है और पिस्टन जो है टू एंड फ्रो मोशन आगे और पीछे की तरफ करता है, और कनेक्टिंग रोड क्रैंक के साथ कनेक्टेड होती है। अगर इस फिगर को समझे हम, तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्रैंक है हमारी, ये जो है कनेक्टिंग रोड है। तो इसके पार्ट जो है हमें पता होने चाहिए। एक सिंपल रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन हमने लिया है, यहाँ पर ये पिस्टन है, ये पिस्टन हमने लिया। तो ये जो क्रैंक है ये हमारी मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव करती है, और ये थीटा एंगल पर है फिलहाल। पहले ये तो जो ये क्रैंक थी हमारी यहाँ पर कहीं थी, अगर हम देखें यहाँ पर, इसको अगर हम इनर डेड सेंटर लिखें तो ये यहाँ से मूव की है यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। अगर हम इसको जो है आउटर डेड सेंटर लिखें इस तरह से, तो यहाँ पर ये इस तरह से जाएगी, तो ये जो पिस्टन है वो इस तरफ आएगा, और जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी यानी कि यहाँ से ये इस तरफ जाएगी तो पिस्टन जो है वो उस तरफ मूव करेगा। यानी कि पहला एक जो स्ट्रोक होगा इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक का, पिस्टन जो है इस तरफ मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, और जब आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर तक का होगा तो यहाँ से उस तरफ मूव करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप इसकी वर्टिकल पोजिशन लें, मान लीजिए ये सिलेंडर की वाल्व है और इनके बीच में हम एक पिस्टन ले लेते हैं। तो हमने ये पिस्टन ले लिया, उसके साथ ये पिस्टन पिन ले ली। अब ये जो है कनेक्टिंग रोड से हमारी कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये एक क्रैंक है, यहाँ पर ये क्रैंक है जो कि रोटेट कर रही है, तो ये क्रैंक हो गई। अब जैसे ही ये जो है अगर हम यहाँ पर देखें, अब इसको नाम देते हैं टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर, इसको दे देते हैं बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर। अब जैसे ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा ये जो पिस्टन है, और जब ये यहां से यहां तक जब चला और फिर जब वापस जाएगा तो ये फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा। चाहे वर्टिकल पोजीशन ले लीजिए, बस उसमें हमने इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर लिया है। चाहे वर्टिकल पोजीशन ले लीजिए, यहाँ पर हम टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर लेंगे। यानी कि जब पूरा एक क्रैंक रोटेशन लेगी, पूरा का मतलब है 360 डिग्री का जब ये रोटेशन लेगी, तो इसके अंदर हमारा ये पिस्टन अप डाउन और फिर डाउन से अप इतनी मूवमेंट करेगा, एक बार नीचे और एक बार ऊपर इतनी मूवमेंट करेगा। यानी कि 180 डिग्री में अगर हम बात करें कि वो अपना एक स्ट्रोक जो है नीचे की तरफ आएगा, फिर नेक्स्ट 180 डिग्री में ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, ये हमने सारे पॉइंट समझे कि ये जो हमने डायग्राम है इस तरह से बनाई है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हम मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो एम आर है मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है, जो भी पार्ट रेसिप्रोकेट करेगा। डब्ल्यू आर वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है, वेट क्या होता है एम इंटू जी, यानी कि मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट आप ऐसा कह सकते हैं, और जो ग्रेविटी है तो उसके दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट क्योंकि हमने ये लिया है इंटू ग्रेविटी, तो ये वेट हो जाएगा। ए आर हमारी हो जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, तो ये एक्सेलरेशन हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम पहले निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगर हम इसको लिखें तो वो हमारी थी ए पी ओमेगा स्क्वायर आर। जो आप पीछे वाले जो लेक्चर है वो हमारे देख सकते हैं, वहां पे हमने ये वैल्यू निकाली थी, कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा बाय एन। ये हमने एक्सेलरेशन यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ये हम निकाल चुके हैं, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेटिंग जो हमारी फोर्स है उसकी वैल्यू को निकालें, तो उसको चलिए समझते हैं। जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स को या फिर जो इनर्शिया है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को, उसको समझते हैं। तो एफ हमारा होता है, जो फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इनर्शिया फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स की है, तो एम आर और इंटू ए आर हो जाएगा। एम आर यहाँ पर आ जाएगा, एक्सेलरेशन जो है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट की वो अभी हमने देखी, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पर क्या है कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा बाय एन। ये हमारी जो इनर्शियल फोर्स है या इनर्शिया कहें या फिर जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है ये आएगी। अब चलिए इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल वाल्व्स हैं, इस तरह से हमने सिलेंड्रिकल वाल्व्स ले ली, और यहाँ पर हम एक पिस्टन ले लेते हैं इस तरह से, जो कि एक कनेक्टिंग रोड से कनेक्टेड है, यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये क्रैंक से कनेक्टेड है, और जो क्रैंक है हमारी इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रही है। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है, यहाँ पर टॉप डेड सेंटर है, यहाँ पर बॉटम डेड सेंटर है। अब टॉप डेड सेंटर से जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, अब देखिए इस पिस्टन का कुछ वेट तो होगा, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी जिसको आप लिखते हैं, तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये वेट इसकी हेल्प करेगा एक्सेलरेशन में, क्योंकि टॉप से ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वेट इसका नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यही वेट जो है एक तरह से प्रतिरोध पैदा करेगा, एक तरह से उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए वेट जो है इस तरह से, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका वेट 10 किलोग्राम है, और अगर आप फोर्स भी 10 किलोग्राम लगाएं उसको उठाने के लिए, तो क्या वो उठ जाएगा? नहीं, वो वहीं पर रहेगा, आपको फोर्स तो ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से एक तरह से ये उसके विरोध में काम करेगा, उल्टा काम करेगा जो ये वेट है, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये चीज उसकी हेल्प करेगा, ये जो वेट है। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं, इसी तरह से ये तो हमने वर्टिकल पोजीशन में देखा, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करें, इस तरह से यहां पर देखिए जब पिस्टन मूव करता है तो हमारा जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव किया, तो यहां पर जो सिलेंडर होता है उसके दोनों तरफ तो प्रेशर होता ही है, कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। तो एक तरफ जो है जब वो मूव करता है तो इनर्शिया क्या होता है, अब इनर्शिया को भी समझते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। तो इसी तरह से जैसे ही पिस्टन जो है मोशन में होगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंस के कारण इसको कुछ रिटार्डेशन भी मिलेगा, वो रिटार्डेशन, वो एक तरह का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको मूवमेंट में, तो वो इनर्शियल फोर्स जो है वो एक्ट करेंगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर हम देखें कि जो हमारा नेट पिस्टन एफर्ट की बात करें कि जो एफपी है, तो हम वो ले लेते हैं, तो यहां पर ये जो एफपी है इस तरफ एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये क्रैंक रोटेट करेगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो ये एफपी जो है यानी कि पिस्टन जो है इस तरफ मूव करेगा। अब ये जो हमारा पिस्टन एफर्ट है जिसको हम एफपी बोल रहे हैं, ये किसके बराबर होगा? जो नेट लोड ऑन द पिस्टन है एफएल, अगर FL की वैल्यू को निकालते हैं, F क्या होता है हमारा? P इंटू A आप लिख सकते हैं, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया का मतलब क्या है? यहां पर जो प्रेशर है उसको हम स्मॉल p ले लें, और एरिया क्या हो जाएगा जो हमारा ये, अब ये देखिए सिलेंड्रिकल पोर्शन है इस तरह से जो है, अगर हम इसका व्यू देखेंगे साइड से देखेंगे तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो अगर हम इसका एरिया देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया है ये इस तरफ, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा नेट लोड ऑन द पिस्टन है P इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, इस तरह से भी लिख लीजिए। R की अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो है D बाई फोर भी लिख सकते हैं, क्योंकि R क्या है हमारा D बाई टू के बराबर है, तो डी स्क्वायर बाई फोर भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो जो पिस्टन एफर्ट है वो नेट लोड, अगर हम इसमें से माइनस प्लस करें इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स को क्यों माइनस प्लस किया? क्योंकि ये जो मूवमेंट है तो यहाँ पर इनर्शियल फोर्स जो है वो भी तो एक्ट करेगी इसके मूवमेंट के दौरान, क्योंकि सिलेंडर के दोनों साइड प्रेशर डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो इनर्शियल फोर्स होगी ये इस पिस्टन के मोशन को एक तरह से अपोज करने का काम करेगी। तो वही चीज इसलिए हमने माइनस प्लस यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही पिस्टन मूव करेगा उसको अपोज करेगी, तो माइनस हम साइन लेंगे यहाँ पर, और जैसे ही यहां से यहां तक उसका स्ट्रोक पूरा होगा फिर वो वापिस आएगा, तो एक तरफ उसको हेल्प भी तो मिलेगी। जैसे हमने वर्टिकल पोजीशन में देखा था वेट नीचे की तरफ हेल्प कर रहा था, ऊपर की तरफ जो है उसको अपोज कर रहा था, यहां पर भी इसी तरह से एक तरफ अपोज अगर मिलेगा तो दूसरी तरफ हेल्प भी तो मिलेगी। तो वही चीज है यहां पर, अब यहां पर क्योंकि दोनों तरफ यहां पर प्रेशर डिफरेंस होगा, एक तरफ जिस तरफ ज्यादा होगा अगर जो भी स्ट्रोक उसकी डायरेक्शन में होगा तो वो हेल्प ही करेगा, वो एक तरह का प्रेशर है, तो इसलिए हम माइनस प्लस हमने लिखा। ये तो हमने लिखा कि अगर हम कोई भी फ्रिक्शनल जो है रेजिस्टेंस नहीं लेते, लेकिन अगर हम यहाँ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर माइनस आप आर एफ भी लिख देंगे कि यहाँ से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को भी माइनस करना पड़ेगा कि सिलेंडर वाल के बीच में या पिस्टन के बीच में कोई रेजिस्टेंस है, जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होगा जो कि मोशन को अपोज करेगा, तो यानी कि इनर्शियल फोर्स
अगर वो पोज कर रही है तो माइनस होगा इस नट लोड में से जो पिस्टन पर लगा है, और जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी इसके अंदर माइनस होगी, जो भी आप रेजिस्टेंस की फोर्स लेते हैं। तो ये जो है, जो आपने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर लेंगे तो ये भी माइनस करनी पड़ेगी। तो ये जो है हमारा नेट एफर्ट रहेगा, जो हमारा पिस्टन का रहेगा, नेट लोड ऑन द पिस्टन माइनस प्लस जो इनर्शियल फोर्स है, और अगर आप फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लेते हैं तो माइनस वो भी आप करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि नेट जो पिस्टन एफर्ट है वो क्या रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब ये हमने ये समझा कि जो नेट लोड है पिस्टन पे ये रहेगा एफ एल माइनस प्लस एफ आई, और अगर आप जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लेते हैं तो माइनस आर एफ भी कर देंगे। तो ये इस तरह से करेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रोड अब निकाल लेते हैं। अभी तो हमने बात की थी पिस्टन जो एफर्ट की, अब कनेक्टिंग रोड के ऊपर बात कर लेते हैं। यानी कि ये जब यहाँ क्रैंक मूव की तो ये इस तरफ जाएगी कनेक्टिंग रोड, तो इसको हम मान लेते हैं एफ क्यू। अब जो ये एफ क्यू है ये हमारी होती है बराबर एफ पी बाय कोस फाई, तो यही होगी। तो इसको भी चलिए समझ लेते हैं। देखिए जो एफ क्यू है, ये जो हमारा पिस्टन एफर्ट था, यानी कि इस तरफ हम इसको ले लेते हैं, तो ये एफ पी है, और इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन हम मान लेते हैं कि ये फाई है। तो जो अगर हम बात करें एफ क्यू की, जो अगर हम एफ क्यू बात करें या कहें कि जो एफ पी है, अब एफ क्यू के हमारे अगर दो कंपोनेंट हम लें तो ये एक इस तरफ होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और एक ये डायरेक्शन में होगा। तो ये जो हमारा कंपोनेंट होगा वो कोस कंपोनेंट होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो अगर हम एफ पी को निकालें यहां से तो ये क्या होगा एफ क्यू कोस फाई, क्योंकि एफ क्यू का ये कंपोनेंट कोस फाई है। तो यहां पर ये क्या होगा एफ क्यू कोस फाई। तो एफ पी जो है ये एफ क्यू कोस फाई के बराबर है, या फिर हम एफ क्यू को यहां से निकालें तो वो क्या आ जाएगा हमारा एफ पी डिवाइड बाई कोस फाई। ये आप समझ गए होंगे, यहां पर एफ पी को जब आप लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे एफ क्यू कोस फाई, एफ क्यू कोस फाई, क्योंकि इसका कंपोनेंट ये कोस वाला कंपोनेंट है। तो यहां से एफ क्यू की वैल्यू निकालेंगे एफ पी बाय कोस फाई, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब जो कोस फाई होता है ये भी हम पहले निकाल चुके हैं, इसका ये पूरी रिलेशन हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन का स्क्वायर, तो ये हमारे पास होता है। अब अगर हम एफ क्यू की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, एफ क्यू की वैल्यू को, तो एफ पी डिवाइड बाय ये कोस फाई, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू ये है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन का स्क्वायर, तो ये हमारी आ जाएगी एफ क्यू की वैल्यू, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रोड। तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने समझा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ द सिलेंडर वाल्स और नॉर्मल रिएक्शन ऑन द गाइड बार्स। अब देखिए सिलेंडर वाल कौन सी है, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर वाल्स है, ये जो हमने दिखाई है। अब इनके ऊपर जो है थ्रस्ट जो लगेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनपे जो थ्रस्ट लगेगा वो क्या लगेगा, ये एफ एन लगेगा, यानी कि ऊपर की तरफ या नॉर्मल कह लें। यहां पर ये क्या है, ये एफ पी है, ये एफ क्यू है, और ये एफ एन जो है इनके ऊपर थ्रस्ट लगेगा जो सिलेंड्रिकल वाल्स हैं। तो ये जो हमारा एफ एन है, ये एफ एन हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एफ एन हमारा आ जाएगा एफ क्यू साइन फाई के बराबर। ये आप समझ गए होंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमारा एफ क्यू कोस फाई है, क्योंकि ये फाई है, और ये जो है हमारा एफ क्यू साइन फाई है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो एफ एन हमारा किसके बराबर आ गया, एफ क्यू साइन फाई के बराबर आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ पी बाय कोस फाई इंटू साइन फाई, क्या ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो एफ क्यू था हमारा वो हमने पहले, इससे पहले क्या निकाला था, एफ पी बाय कोस फाई, क्योंकि जो एफ पी था वो किसके बराबर था, एफ क्यू कोस फाई के। एफ क्यू की वैल्यू अगर आप निकालें एफ पी बाई कोस फाई है, जो कि हमने यहां पर पुट की है, अभी हमने डिस्कस की थी, और इंटू साइन फाई ये आ गया। और यहां पर अगर आप साइन फाई बाई कोस फाई देखें तो ये क्या आ जाता है हमारा टेन फाई। तो एफ पी टेन फाई जो है हमारे पास, ये जो हमारा एफ एन है इसकी वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो थ्रस्ट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर है इतनी उसकी वैल्यू आ जाती है। ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। क्रैंक पिन एफर्ट एंड थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। अब हमें क्रैंक पिन एफर्ट निकालना है। अब देखिए ये जो एफ क्यू है ये आगे की तरफ अगर हम लें तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनते हैं। ये जो एफ क्यू है अगर हम यहां पर लें इस तरह से,
तो ये जो है हमारा FKU है। तो इसकी हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो अलोंग द क्रैंकशाफ्ट बनेगा और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगा। इतना क्लियर है हमें, हमने ये दो कंपोनेंट क्यों लिए? FKU के यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो अलोंग द जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है और एक उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब ये कितने एंगल पर था? फाई एंगल पर। और ये कितने एंगल पर थी? थीटा एंगल पर, जो क्रैंकशाफ्ट थी हमारी इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से। तो यहां पर अगर हम एंगल देखें तो यहां पर ये कितना एंगल हो जाएगा हमारा? थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, यहां थीटा होगा और ये फाई की लाइन है, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। और अगर हम एक वर्टिकल कंपोनेंट भी ले लें, यहां से मान लीजिए इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो ये जो पूरा एंगल है हमारा ये कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ये एंगल जो है ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसी तरह से अगर ये एंगल आप निकालें, ये पूरा 90 डिग्री है, और ये अगर इस सिर्फ एंगल की बात करें तो ये 90 में से माइनस हो जाएंगे, 90 डिग्री माइनस जो हमारा थीटा प्लस फाई है ये हो जाएगा। तो कोई भी एंगल आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये एंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई हो जाएगा। तो आप कोई भी एंगल आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो अब हमें निकालना है क्रैंक पिन एफर्ट एंड थ्रस्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। अब हम क्रैंक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सारे एंगल्स वगैरह निकाले और ये जो हमने कंपोनेंट्स वगैरह देखे इसके। तो ये हमारा क्या होगा? अब यहां से जो FT की वैल्यू है, अगर हम FT की वैल्यू लिखें तो FT की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? यहां से FQ साइन थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, क्या ये लिख सकते हैं जो FT है? ऐसा हमने क्यों लिखा? चलिए इसको क्लियरली समझते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो कंपोनेंट था हमारा, ये जो कंपोनेंट था ये FQ था हमारा, FQ के दोनों कंपोनेंट थे। अब ये जो एंगल था हमारा थीटा प्लस फाई था, ये थीटा प्लस फाई था, यानी कि ये बेस कंपोनेंट बन गया इसका, और ये जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। यानी कि जो FT है, सिंपल सी बात है, यहां पर क्या आ जाएगा? FQ साइन, अब ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसलिए यहां पर साइन लिखा है, और एंगल कितना है? थीटा प्लस फाई। इसी तरह से अगर हम FB की बात करें, यानी कि इस कंपोनेंट की बात करें, अब ये तो बेस कंपोनेंट है तो ये क्या आ जाएगा? FQ यानी कि cos, और यहां पर आ जाएगा थीटा प्लस फाई। ये आप समझ गए होंगे कि एक तरह से वर्टिकल कंपोनेंट और ये एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस FQ के। तो हमने दोनों लिख दिए, FT और FB किसके बराबर है। अब यहां से जो FQ है इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, FQ की वैल्यू क्या थी हमारे पास? FP बाय cos फाई, यही थी जो हमने पहले निकाली थी। तो उसकी वैल्यू को यहां पर भी पुट कर सकते हैं और यहां पर भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास FT और FB की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। तो हमने दो कंपोनेंट बनाए और इन दोनों की वैल्यू यहां पर लिख दी, FQ की वैल्यू यहां पर पुट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है, ये हमने अभी देखा FT और FB किस तरह से हमारे पास ये आए। क्रैंक एफर्ट एंड टर्निंग मोमेंट ये निकालना है, या फिर टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट, या फिर हम बात करेंगे जो टॉर्क निकालनी है क्रैंक शाफ्ट पे। अब देखिए क्रैंक शाफ्ट पे टॉर्क कितनी होगी, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें वो FT इंटू R होगा। अब ये कैसे है? अब ये FT इस तरफ है और ये जो है हमारा ये रेडियस है। टॉर्क तो यही होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम ये इसके ऊपर क्रैंक के ऊपर अगर हम निकालें तो यही होगी, सिंपल सी बात है। टॉर्क हो गई हमारी FT इंटू R। अब जो FT है अगर हम उसकी वैल्यू को पुट करें, FT हमारे पास क्या था? FP बाय cos phi, यही हमने निकाली थी, अभी वैल्यू निकाली थी, और इनटू उसके क्या था? साइन थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। तो FT की हमने वैल्यू को पुट किया और डिवाइड में इसके कुछ नहीं है, इनटू मल्टीप्लीकेशन में है R। तो ये आ गई FT की वैल्यू जो अभी हमने पहले निकाली थी वो यहां पर पुट कर दी, ये आपके पास आ गए। अब इसको फर्दर आप सोल्व कर सकते हैं जो FP। अब देखिए ये जो है साइन थीटा प्लस फाई है, यानी कि साइन ए प्लस बी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है साइन ए कोस बी, यानी कि साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि कोस थीटा साइन फाई। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी का यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर हम डिवाइड में लिख लेते हैं इसके कोस फाई, और इनटू क्या है हमारे पास? आर है, ये है। अब यहां से फर्दर आप इसको सोल्व कर लें, जो FP है इसको बाहर रखें। अब यहां पर देखिए यहां अलग अलग जब इस cos phi को करेंगे तो cos phi से cos phi कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर ही sin phi cos phi टेंजेंट हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा sin theta प्लस cos theta, sin theta ये है
ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और जब इसके नीचे लेंगे इसको तो cos थीटा sin phi और cos phi क्या हो जाएगा, tangent phi, तो tangent phi ये ध्यान देना है, दोनों के नीचे लेंगे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू यहां पर बनेगी, और इंटू क्या है हमारे पास आर, तो ये हमारे पास आया जो टोर्क है। अब यहां पर हम एक पिछली टर्म को और यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसे एक परपेंडिकुलर गिराते थे हम, यहाँ Q पॉइंट आता था, तो यहाँ पर जो ये सी क्यू था ये इन दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन आर्म थी, यानी कि इसकी पी क्यू सी की और सी क्यू ओ की। अब ये जो चीज थी यहाँ पर ये फाइ एंगल था और यहाँ पर ये थीटा एंगल था, तो जो सी क्यू था हमारा अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर है, एल साइन फाइ इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हम लिखते थे, क्यों, क्योंकि ये R है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, R sin थीटा। इसी तरह से यहां तक हम लेते थे लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड, तो ये भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ आ जाएगा L sin phi, क्योंकि यहाँ phi एंगल है, यहाँ थीटा एंगल है, तो इसलिए R sin थीटा और L sin phi दोनों को इक्वल रख सकते हैं। और यहां से अगर आप जो है sin phi की वैल्यू को निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगी, R by L sin थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर R by L को, या कहें कि जो N था हमारा क्या था, L by R हम उसको पुट करते थे पहले लेक्चर्स में, यानी कि कनेक्टिंग रोड की लेंथ डिवाइड बाय जो रेडियस ऑफ क्रैंक है, जो साइन फाई है आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 by N हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बाय N लिख सकते हैं, क्योंकि N L by R है और यहाँ R by L है, तो साइन फाई हमारे पास क्या हो गया, ये जो साइन फाई है साइन थीटा बाय N, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें cos phi पता है, cos phi हमारा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर phi और इसका हाफ, अगर हम इसकी पावर का देखें तो हाफ, यानी कि अंडर रूट ये होगा, यानी कि cos square theta जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम cos phi निकाल रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर phi जो है उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो साइन phi है इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, यहां पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या जाएगा, साइन थीटा बाय एन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाय एन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और इसका हाफ, तो ये कोस फाई की वैल्यू यहां पर ये आ गई। अब यहां पर ये जो वन बाय एन है इसको आप बाहर भी ले सकते हैं, यहां पर अंदर आप एलसीएम इसका कर दीजिए, तो एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप समझ रहे होंगे, यहां पर हमने एलसीएम कर दिया और ये जो 1 बाई एन स्क्वायर था बाहर आ जाएगा। अब जब ये अंडर रूट से इस हाफ पावर से बाहर आएगा तो 1 बाई एन ही रह जाएगा और इसकी जो पावर है वो कितनी होगी हमारी, 1 बाई टू। तो यहां पर ये एलसीएम लिया और 1 बाई एन स्क्वायर को बाहर ले लिया तो 1 बाई एन हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर हाफ थी, अंडर रूट था, तो 1 बाई एन यहां पर ये हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो इस तरह से कोस फाई की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, जो कि हमने कोस फाई की वैल्यू निकाली है, जो कि फॉर्मूला था हमारा, इसके अंदर पुट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी हमने एफ क्यू की जो वैल्यू निकाली थी, एसपी एफपी बाय जो हमारा था अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर, तो वो था, वो कहां से आया था, हमारा कोस फाई की वैल्यू ही पुट करके आया था। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि कोस फाई की वैल्यू हम कहां कहां पर पुट कर सकते हैं, तो कोस फाई की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप टेन फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। अब देखिए जो टेन फाई होता है, यहां पर अगर हम लिखें जो टेंजेंट फाई है तो वो क्या होता है हमारा, साइन फाई बाय कोस फाई, यही होता है। अब इसी तरह से अगर हम देखें जो हमारा कोस फाई है, अगर उसकी वैल्यू को पुट करें और कोस फाई और साइन फाई यानी कि दोनों वैल्यू को पुट करें, तो यहां पर हमारे पास ये क्या जाता है, साइन फाई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, साइन थीटा बाय एन निकाली थी, और जो कोस फाई की वैल्यू है तो वो डिवाइड में है, तो ये तो साइन फाई की वैल्यू पुट कर दी। कोस फाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जो अभी हमारे पास आई है लेकिन ये डिवाइड में है, तो एन ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी टेन फाई की वैल्यू। इसके अंदर साइन फाई की वैल्यू हमने अलग से पुट की है जो कि ये है, और कोस फाई की वैल्यू ये पुट कर दी जो कि ये डिवाइड में है, तो एन ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो एन से यहाँ पर एन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास टेन फाई की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से देखिए डिफरेंट तरह की जो हमारी वैल्यूज हैं वो आप निकाल सकते हैं, टोर्क को आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। अब जो टोर्क है हमारा, जो टोर्क की वैल्यू थी, अब वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो एफ पी जो ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू है आपको याद रखनी है, तो हमने साइन थीटा प्लस यहाँ पर ये आ गया कोस थीटा साइन थीटा,
डिवाइड के अंदर आ गया जो ये हम वैल्यू पुट कर रहे हैं अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया इनटू आर जो भी हमने निकाली, तो ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। टेन फाई की वैल्यू हमने लिख दी जो अभी हमने निकाली थी। तो आप जो है टोर की वैल्यू को निकाल सकते हैं जो एफ टी इंटू आर थी स्टार्टिंग में, हमने सारी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर भी आप इसको एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो साइन टू थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा के बराबर, टू साइन थीटा कोस थीटा। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए ये कोस थीटा साइन थीटा है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया, यानी कि साइन 2 थीटा आप लिख सकते हैं और ये पूरा फॉर्मूला बाकी वैसे ही रहेगा, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आप टॉर्क की वैल्यू को है आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्रैंक एफर्ट या फिर टर्निंग मोमेंट या फिर टॉर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट जो ये हमने निकाली एफ टी इंटू ये जो था हमारा रेडियस एफ टी इंटू आर निकाली। तो इस तरह से आप फोर्सेज ऑन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ एन इंजन सारी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।